हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के टेक। आप ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के टेक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो के न्यू फोन जो कि इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसके इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि कब तक वो लॉन्च हो सकता है और उसके क्या क्या फीचर्स है। इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये फ़ोन कब तक लॉन्च होगा, इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। कुछ इसकी इमेजेस आई हैं जो लगता है कि अब ये फाइनली यही इमेज होगी फ़ोन की। अब सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि इसका प्राइस कितना होगा। कोई कहता है ये 500 का होगा, कोई कहता है ये 1000 का होगा, कोई कहता है ये 1500 का होगा। तो आगे हम इस वीडियो में इनके बारे में ही बात करें, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले कुछ दिन पहले ये वीडियो सामने आई थी, ये इमेज सामने आई थी रिलायंस जियो के फ़ोन की कि ऐसा होगा, बट फाइनली आज जो न्यू फोटो आई है वो ऐसा है कि लाइफ लिखा होगा फ़ोन पे, जो लाइफ रिलायंस जियो की अपनी कंपनी है। तो इसमें आप ड्यूल सिम, ये ड्यूल सिम फ़ोन है, इसमें आप दो सिम डाल सकते हैं या साथ में एक माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं। इसमें आपको VGA कैमरा भी मिलेगा। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो फोन की जो डिस्प्ले है वो 2.4 इंच की है, TFT डिस्प्ले है, 2000 mAh की बैटरी है। इसमें आप म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर भी है, FM रेडियो भी है, 512 MB की रैम है, 4 GB इंटरनल स्टोरेज है, VGA कैमरा भी दिया है, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी ला सकते हैं 64 GB तक। ये फ़ोन ड्यूल सिम है, 1.2 GHz ड्यूल कोर प्रोसेसर है साथ में। और तो ड्यूल सिम में फर्स्ट सिम आप 4G डाल सकते हैं और सेकंड सिम आप 2G, और इसमें आपको रिलायंस जियो की सिम डालनी है फर्स्ट सिम में, और ये आपको 4G मतलब फ़ोन चल सकता है। अभी ये नहीं कंफर्म हुआ कि ये वाईफाई हॉटस्पॉट है कि नहीं है, जब ये फ्रेंड्स कंफर्म होगा मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता सकूंगा। अब इसके प्राइस की बात करते हैं और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। अब रिलायंस जियो ने, अगर आपने देखा होगा तो रिलायंस जियो अपने जो JioFi है, जो उसके वाईफाई हॉटस्पॉट आते हैं, उन पे काफ़ी ऑफर्स दे रहा है अपने कस्टमर्स को ताकि उनको जल्द से जल्द वो अपना स्टॉक ख़त्म कर सके, ताकि ये वाला फ़ोन वो जल्दी से लॉन्च कर सके। नेक्स्ट वीक इनकी एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें शायद ये फ़ोन के बारे में वो कुछ बता दे, और मे बी ये फ़ोन जुलाई एंड तक या अगस्त मिड तक फ़ोन आपके मार्केट्स में आ जाए, या फिर अगर ये जब भी आएगा तो जियो अपनी वेबसाइट jio.com पे आप डिवाइसेस पे जाके देख सकते हैं कि ये उसमें आया के ऑप्शन आया के नहीं आया है। बाकी ये फ़ोन का प्राइस 500 कभी नहीं होगा, 1000 भी नहीं होगा, क्योंकि आप इसकी स्पेसिफिकेशन से देख सकते हैं कि इसका प्राइस कम से कम भी 1500 से लेके 2500 के बीच बीच में होगा, यानी कि 1500 से लेके 2500 के बीच बीच में हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगले अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।